एम बाइब ऐप पे हमारी लाइव क्लासेस चालू हो चुकी हैं कैसे डाउनलोड करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फटाफट से लिंक से क्लिक करें एंड हमारे ऐप को डाउनलोड करें एंड हमारी सारी लाइव क्लासेस में जुड़ जाएं ताकि आपकी नीट की जर्नी एकदम क्लियर कट तरीके से स्मूथली कर सकें आप लोग एज वेल एज बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है एम बाइब अचीव नीट सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ और शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन के बारे में तो जो ऑक्सीजी शब्द है बच्चों इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज ऑक्सिन ये आपके ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम क्या है ऑक्सीजीन है जिसका मतलब क्या होता है टू ग्रो ठीक है ऑक्सीजन आर ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग एंड आर्टिफिशियली आर्टिफिशली प्लांट हार्मोन ठीक है ये आपके नेचुरली भी अकर कर सकते हैं और ये आपके आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं अगर हम इसकी फादर डिस्कवरी के बारे में बात करें इसको शुरुआत में काम किया था किसके ऊपर चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन फादर एंड सन की जोड़ी थी एंड आखिरी में बच्चों आपके वेंट ने इनको क्या किया था आपके सीडलिंग से आपको क्या किया था बच्चों इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था Ode के ऑक्सीजन तो का काम क्या होता है इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ठीक है इट इज गोइंग टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है गाइस ये क्या करेगा उसको प्रमोट करता है ठीक है ये आपकी ग्रोथ को प्रमोट करता है ये आपके टिप्स में प्रेजेंट होता है ये प्लांट के टिप्स में प्रेजेंट है ठीक है ताकि ये आराम से एक प्राइमरी ग्रोथ प्रोवाइड कर सके अभी दोनों फॉर्म में हो सकते हैं दे कैन बी नेचुरली अक्रिंग नेचुरली अक्रिंग एज वेल आर्टिफिशियलीसाइज अगर मैं नेचुरली अक्रिंग के एग्जाम्पल पकड़ूं तो वी हैव इंडोल एसिटिक एसिड वी हैव इंडोल एसिटिक एसिड एज वेल एज इंडोल ब्यूटारिक एसिड ठीक है वी हैव आई ए एंड आई बी ए प्रेजेंट इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल बिटारिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास और वहीं पे आर्टिफिशियली आर्टिफिशियलीसाइज कौन से हैं बच्चों हमारे पास होते हैं वो टू फोर डी टू फोर फाइव टी ठीक है ये सारे आपके कैसे होते हैं आर्टिफिशियली हैं ठीक है सो प्लांट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ वेयर इनिशियली अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इनिशियली एक्सट्रैक्ट हुआ था ह्यूमन यूरिन से भी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं हम लोग एंड इट वॉज फाउंड फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलीग्रा ठीक है ये पेलीग्रा से सफर करने वाले इंसान से एक्सट्रैक्ट किया था अब ये, ये सिंथेसाइज प्लांट के अंदर में कहा होता है? आपके रूट एंड शूट टिप पे ये सिंथेसाइज होता है ठीक है इट इज बीन एट रूट एंड शूट टिप पे क्या करते हैं गाइज इसको हम सिंथेसाइज करते हैं तो चलते हैं बच्चों इसके बारे में देख लेते हैं तो अगर हम नेचुरली अक्रिंग ऑक्सीजन के बारे में बात करें वी हैव इंडोल थ्री बिटारिक एसिड एंड वी हैव इंडोल थ्री एसिटिक एसिड आई ए एंड आई बी ए ठीक है इंडोल एसिडिक एसिड एंड आपका क्या है बच्चों इंडोल बिटारिक एसिड है अगर हम इंडोल एसिडिक एसिड देखें तो कुछ ये स्ट्रक्चर है देखो डोंट वरी आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करना है ठीक है डू नॉट वरी एट ऑल आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल भी याद नहीं करना है बस आपको नाम याद करना है ये आपके नेचुरली अकरिंग है कौन कौन से आई ए एंड आई बी ए दोनों क्या है बच्चे आपके नेचुरली अकरिंग होते हैं इंडोल एसिडिक एसिड एज वेल एज इंडोल बिटारिक एसिड ये दोनों कैसे होते हैं दे आर नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन्स ठीक है hormones, ये आपके नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन होते हैं कौन कौन से एसिडिक एसिड इंडोल एसिडिक एसिड एज वेल एज इंडोल बिटारिक एसिड ऑक्सीजन इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल मेरिस्टम ऑफ द शूट्स यंग लीव्स एंड सीड्स ठीक है ये कहां प्रेजेंट होता है टॉप एपिकलिस्ट कहां परूट्स के यंग लीवस के एजेल well के द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूनि डायरेक्शनल और पोलर इट मूव डाउनलोड फ्रॉम इट साइट ऑफ प्रोडक्शन ये मतलब ये आपका जहां पे टॉप से ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह भी इजिली ये क्या कर सकता है ऑक्सीजन

ठीक है तो टोटल चार होते हैं 24d इज द 24 डाइक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड देन वी हैव 245t दैट इज अ ट्राईक्लोरो फिनोक्सीएसिटिक एसिड ठीक है वी हैव अ ट्राईक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड ठीक है ठीक है आपका अगर हम देखें तो ये क्या है नेप्थलीन एसिटिक एसिड आपको पता है एनएए और नेप्थलीन एसिटमाइज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज नाम ठीक है अगर हम 240 के बारे में बात करें 240 एंड टू टी देखो अब ये जो 240 एंड टू फोर है इनका एक बहुत ही यूनिक नाम भी है पता है इनको हम एजेंट ऑरेंज भी बुलाते हैं वी कॉल एज एजेंट ऑरेंज बिकॉज ऑफ ये यूएस वेतनाम वॉर में यूज किए गए थे येस यूएस वेतनाम वॉर में ये यूज किए गए थे दैट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज ठीक है ये आपको हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं नैप्रन एसिडिक एसिड इज यूज इन रिप्लेसमेंट ऑफ इंडोल एसिडिक एसिड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम यूज कर सकते हैं इनको आगे बढ़ेंगे अब हम इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि करके हम सारे फंक्शंस देख लेते हैं कि इनके क्या क्या स्पेसिफिक रोल्स होते हैं तो सबसे पहला रोल क्या है बच्चों? आपका एपिकल एपिकल डोमिनेंस डोमिनेंस तो एज द नेम सजेस्ट का मतलब क्या होगा ये आपके प्लांट के टॉप को टॉप को क्या कर रहा है बच्चों ये डोमिनेट कर रहा है ताकि प्लांट के टिप क्या कर सके आराम से ग्रो कर सके इन हायर प्लांट्स द ऑक्सिन प्रोड्यूस एट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड ये आपके साइड के बर्ड्स को ग्रोथ को रोक देगा एंड द मेन शूट शो अनलिमिटेड ग्रोथ दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस डोमिनेंस उसी को हम एपिकल बुलाते हैं तो देखिए इस तरीके से आपके एपिकल शूट के ऊपर जैसे ही ये पड़ रहा है तो ये क्या करेगा इसकी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा इसी को हम क्या बुला रहे हैं एपिकल डोमिनेंस एज द नेम ये प्लांट के टिप की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है दिस इज कॉल एज एपिकल डोमिनेंस ये लिटरल को क्या कर रहा है सप्रेस कर रहा है ठीक है इट इज सप्रेसिंग द लिटरल बर्ड लिटरल बर्ड को सप्रेस करेगा और एपिकल बर्ड को क्या करेगा ये प्रमोट करता है ठीक है और अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ये क्या करता है इट इज गोइंग टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी

द यंगर लीव प्रमोट द फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट की फॉलिंग को प्रमोट करेगा एंड यंगर लीव एंड स्टेम की फ्रूट की फॉलिंग को रोकता है ये 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 ठीक है है इट स्टिमुलेट करेगा प्रमोट करता फीमेलनेस इन सम ऑफ द प्लांट फीमेलनेस प्रमोट कर रहा है एट वेल एज वेल एज इट प्रमोट्स फ्लारिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल ये पाइनएप्पलिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल भी प्रमोट करता है देख सकते हैं इसके पास अलग अलग फंक्शंस प्रेजेंट हैं ठीक है तो इसका एक शॉर्टकट भी है याद करेंगे आपको बताऊंगा ठीक है वी हैव अ शॉर्टकट और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ होमवर्क इन फ्रंट ऑफ यू गाइस जस्ट गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन प्लानिंग कैन बी इंड्यूस्ड इन पाइनएप्पल बाय द एप्लीकेशन ऑफ अभी हमने डिस्कस किया था फटाफट से कमेंट सेगमेंट में जाएं एंड आंसर कर देंगे ठीक है एक और क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डैश कैन डिले द एब्सेशन ऑफ फ्रूट्स एंड अर्ली एंड लीव्स एट अर्ली स्टेज जस्ट गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन जस्ट गो ahead and आंसर these क्वेश्चन बी क्विक guys. तो so, अगर मैं वापस आऊं इनके ऊपर तो अलग अलग इनके रोल्स प्रेजेंट है ठीक है तो एक शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा इनके रोल्स याद करने के ठीक है अगर मैं इनके रोल्स याद करने का आपको एक शॉर्टकट अववाऊं तो आपको ये याद कर लो आंटी ही अप्लाइड आंटी ही अप्लाइड डर्ट ऑन रूट आंटी ही अप्लाई एक सेकेंड रुक जाए पहले मैं इसको पूरा खोल लूं पूरा खोल है अब हम लिखेंगे ठीक है तो इसके अगर हम फंक्शन लिखे तो ये आप फंक्शन इस तरीके से याद कर लेना आंटी ई अप्लाइड डॉट ऑन रूट डॉट ऑन रूट पर हिंदी का पर पाइन फ्लाड ये जितने भी वर्ड लिखे आप बोलोगे सर अजीबो गरीब वर्ड क्या लिखे ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंटी डर्ट ऑन रूट पर पाइन प्लाट तो ये एंटी से क्या हो गया एंटी एपसेशन है ये ठीक है मतलब डिले कर रहा है को तो मैं लिख देता हूं यहां पे एंटी एपसेशन एंटी का मतलब क्या हो गया यहां पे एंटी एप्सेशन हो गया ठीक है एंटी एप्सेशन का मतलब क्या होता है ये प्रमोट करेगा फॉलिंग ऑफ ये प्रमोट करेगा किसको फॉलिंग ऑफ ओल्डर एंड फ्रूट ये प्रमोट कर रहा है हॉबी साइड की से क्या आगे बच्चों बच्चो, यहां पर हबी साइड की तरह भी एक्ट कर रहा है ठीक है इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अबी साइड मैंने हॉबी साइड का एक फंक्शन आपको पहले ही बताया था ये आपके यूएस वेतनाम मतलब टू फोर डी फोर डी एंड टू फोर फाइव टी जो है ये दोनों के तीन दोनों ये आपके यूएस वियतनाम वॉर में यूज किए गए थे यूएस वियतनाम वॉर ठीक है इसको हमने यूएस वियतनाम वॉर में यूज किया था दैट्स वाय दे आर कॉल्ड एज एजेंट ऑरेंज बेसिकली कहानी ये थी कि भाई वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बुशिश थी ठीक है दे हैव में बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी और जब यूएस गए थे अटैक करने के लिए उनको तो वो क्या कर रहे थे धीरे धीरे करके हार रहे थे एंड यूएस यूएस को know, को वी ऑल नो हारना नहीं पसंद है तो उन्होंने ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को बुलाया तो देखो हर बॉर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज हो जाती तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज ढूंढ के निकाली जो था बच्चों आपका टू फोर डी एंड टू फोर फाइव टी तो उन्होंने उनके साइंटिस्टों ने क्या कहा कि ये आप टू एंड टू को ऊपर से स्प्रेड आउट कर दो पूरे के पूरे प्लांट्स पे जब आप स्प्रेड आउट कर दोगे तो ये क्या करेंगे उसके अपटेक करेंगे जैसे ही ये उसको अपटेक लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बोर्निंग ऑफ लीफ हो जाएगी ठीक है ये आपकी क्या हो जाएगी बोर्निंग ऑफ लीफ हो जाएगी ठीक है गोइंग टू ये आपका बर्निंग ऑफ लीफ कर देगा जिससे क्या हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया एक्सपोज हो जाता है ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं इसी को दैट्स वाई उनका नाम बना था एजेंट ऑरेंज बना था ठीक है अप्लाइड का मतलब क्या हो गया एपिकल डोमिनेंस अप्लाइड से क्या आता है बच्चों इसमें क्या हो गया ये ये एपिकल डोमिनेंस को को प्रमोट कर रहा है है ठीक आपके टॉप ग्रो करने देगा ठीक है ये आपके सारे के सारे न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है बच्चों ये ग्रो करने देता है डर्ट का मतलब क्या हो गया ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन ठीक है ये आपका सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है इट इज गोइंग टू प्रमोट द सेल डिवीजन

ठीक है ये आपके पार्थिनो कार्पी शो करता है ठीक है दे आर गोइंग टू शो पार्थिनो कार्पी पाइन फ्लावर से क्या आ गया बच्चों ये क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है फ्लारिंग ऑफ पाइनएप्पल ठीक है तो ये एक पाइनएप्पल की फ्लारिंग को प्रमोट कर रहा है प्रमोट पाइन एप्पल फ्लॉरिंग ठीक है दे आर गोइंग टू प्रमोट पाइनएप्पल फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है यहां पे, तो ये है बच्चों इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर सेगमेंट तो ये सारे फंक्शन भी, भी है ये सारे फंक्शन भी तो आप देख सकते हो कितने फंक्शन याद कर लिए एक दो तीन चार पांच छह सात मजा आया कि नहीं यही सात इंपॉर्टेंट फंक्शन है और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे इट प्रमोट फीमेलनेस ठीक है ये एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट प्रमोट्स फीमेलनेस तो मजा आया कि नहीं तो बस इतना ही याद कर लोगे तो भैया हो जाएगा ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी होमवर्क के लिए दे चुका हूं आपको इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे चुका हूं ठीक है इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑक्सीजन ठीक है कौन सा आपका ट्रू है अबाउट ऑक्सीजन ये भी आपको करना है बच्चों तो बस इतना सा ही लेक्चर था बच्चों आज का छोटा सा ही लेक्चर था आज का छोटा सा ही टॉपिक लेके आया था मैं आप सभी के लिए ठीक है एज वेल एज फिर से मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आपको इसको लाइव क्लासेज में मेरे से डिटेल में पढ़ना है तो आपको एम्बाइव लाइव क्लासेज ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी सो प्लीज मेक श्योर गो हैड एंड डाउनलोड अवर एम्बाइव लाइव क्लासेज ऐप उसमें आप एल पी टी सेगमेंट में जाइए लर्न प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सके आप चीजों को लर्न करिए उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए और अपने हिसाब से टेस्ट दीजिए एज वेल एज हमारे पास एक और बहुत बेहतरीन सा ऐप है एम लेंस ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उससे आप पता है कोई भी चीज स्कैन करोगे

एक्टिव होना है और बताना है मुझे ठीक है सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक करिएगा एज वेल well एज जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं हूं आपका एजुकेटर सलमान अनवर बिलीव इन यू